गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8 में हम प्रश्नावली 6.3 का चौथा प्रश्न लेकर आए हैं। चौथा प्रश्न वर्गमूल की गुणनखंड विधि से संबंधित है। इसी प्रश्न के माध्यम से ही हम गुणनखंड विधि को भी समझेंगे और इसके तीन भाग करेंगे, बाकी भाग आप अपने आप कर सकते हैं। वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि में हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि है उसकी, और अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा ही देखिए हम किस प्रकार वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमने 729 लिया है। अब 729 के हमने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अभाज्य गुणनखंड बनाने आप लोगों को आते हैं, आप पहले सीख चुके हैं कि किसे चलेगा ये जो अभाज्य। हमारे पास संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनमें से ही हमें भाग देना है और किसी संख्या से भाग नहीं देना है। तो ये 3 से चलेगी, 3 × 6, 3 × 12, 3 × 3, अब ये भी 3 पे 3, 3 × 3, फिर 3 से हमारे पास ये क्या आ गया 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए, और पूरा पूरा भाग होना चाहिए, उसी संख्या से भाग देना जिस संख्या से पूरा पूरा भाग होगा। अब हमारे पास 729 के गुणनखंड क्या आए हैं, ये आए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 3, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये आए हैं। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो 729 के गुणनखंड है, ये वर्गमूल का निशान हमने इसके ऊपर लगा देना है। लगा दिया वर्गमूल का निशान लगाने के बाद फिर हमने वर्गमूल 729 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा कि दो दो के जोड़े में से एक अंक बाहर निकालना है। 2, 3 का जोड़ा हो गया हमारे पास 2 का, तो इसमें से 1, 3 बाहर आ जाएगा, गुणा इन दो में से 1, 3 बाहर आ जाएगा, गुणा इन दोनों में से 1, 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास वर्गमूल 729 का क्या मान आ गया, 3 × 9 = 27, अर्थात 729 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा। ठीक है, एक प्रश्न इसको देख लेते हैं। 2 से चलेगा, 2 × 4, 2 × 8, 16 है, 2 × 2 = 4, फिर 2 से चलेगा, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 2 = 2। अब यहां पे देखें ये कितने से भाग होगा, 2401। 7 से चलेगा, 7 × 21 = 30, 7 × 28, 2, 7 × 3, फिर 21, फिर 7 से चलेगा, ये कितना का 7 × 28, 6, 7 × 63, ये भी 7 से 7 = 17, ये भी 7 से 7 × 7 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हमारे पास गुणनखंड बने हैं किसके, 9604 के क्या गुणनखंड बने हैं, 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7, ये बने हैं। अब इसका यदि हम वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, फिर 2 के जोड़े 1, 2 आ गया, यहां से 7 का एक जोड़ा है तो 7 आ गया, यहां भी 7 का एक जोड़ा है तो 7 आ गया, 7 × 7 = 98 हमारे पास इसका मान आ गया। सिंपल बिल्कुल, ठीक है ना, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार 6929 के गुणनखंड हम बनाएंगे, वो 2 से भाग नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो 7 से करके देखें, 7 से हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 3 × 32 = 28, 7 × 3 = 4, ये 7 पे चलेगा, 7 × 7 = 7, 7 × 14 = 7, 7 × 7। अब 121 किस पे चलता है, 11 पे चलता है, 11 × 11 = 121 और 11 × 11 हमारे पास आ गया। तो 6929 के हमारे पास गुणनखंड आ गए 7 × 7 × 11 × 11 है। इसका वर्गमूल यदि हम लेंगे तो हमारे पास इस 7 में से 1, 7, 12 आ गया, 2, 11 के जोड़ने से 11, 12 आ गया, 11 × 7 = 77 हमारे पास इसका मान आ गया है। ठीक है, इसमें एक और संख्या का हम लेके देख लेते हैं, 8100 के भी हम गुणनखंड बनाएंगे, ये भी आपके चौथे प्रश्न से संबंधित ही है। तो हम पहले 3 पे इसको चलाएंगे, 27 × 81 होता है, फिर 3 पे चलेंगे, 3 × 27 = 900 आ गया, फिर 3 पे चलेंगे 300 आ गया, फिर 3 पे चलेंगे 100 आ गया, और 100 2 से भाग हो जाएगा 50, 50 भी 2 से हो जाएगा 25, और 25 5 से हो जाएगा 5, और 5 फिर 1। अब यहाँ पे 8100 के हमारे पास क्या गुणनखंड बने हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, 8100 के गुणनखंड बने हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 5 × 5, इतने गुणनखंड बने हैं। और इसका जब हम वर्गमूल लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 3 के जोड़े में से 1, 3 बाहर आ गया, इस 3 में से 1, 3 बाहर आ गया, इस 2 के जोड़े में से 1, 2 बाहर आ गया, और इस 5 के जोड़े में से 1, 5 बाहर आ गया। तो यहाँ पे इसका मान 9 × 18 =
90 हमारे पास इसका वर्गमूल आ गया है। 8100 का वर्गमूल क्या आ गया है? 90। तो ये 4 प्रश्न आज हमने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। आशा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चौथे प्रश्न के जितने भाग बचे हुए हैं उनको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।